तो भाई लोग फाइनली सीएल के थर्ड एपिसोड आ चुका है और आज की इस वीडियो में मैं एपिसोड नंबर 3 की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। और मैंने पहले ही सीएल के एपिसोड 1 और 2 की स्टोरी को एक्सप्लेन कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर डायरेक्ट जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते इस एपिसोड की स्टोरी की तरफ। एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जेन वॉल्टर्स एमएल वंसकी से पूछती है आखिर वो जेल से क्यों भागा था, क्योंकि इस खबर के बाहर आने के बाद वो केस हार सकते थे। तभी ब्लोंस्की बताता है कि वो जेल से भागा नहीं था, बल्कि वॉन्ग उसे जबरदस्ती भगाकर ले गया था। ये पता चलते ही जैन निक्की को वॉन्ग के बारे में पता लगाने को कहती है और निक्की पॉग के बारे में पता लगा लेती है। और हमें वॉन्ग का लिंक्डइन प्रोफाइल देखने को मिलता है, जहां वॉन्ग पहले कमर ताज में काम करता था, फिर वो लाइब्रेरियन बना और अब वो सोर्सर सुप्रीम बन चुका है। निक्की उससे कॉन्टेक्ट करती है और यहाँ जैन फोर्थ वॉल ब्रेक करके ऑडियंस से बात करती है और कहती है कि ये वो शो नहीं है जहाँ आपको हर हफ्ते एक कैमियो देखने को मिलेगा। पर ऑब्वियसली ये एक जोक है, क्योंकि इस शो में हर भर के कैमियोस हैं। जैसे एपिसोड 1 में हमें ब्रूस का कैमियो देखने को मिला, सेकंड एपिसोड में एमएल ब्लोंस्की का और थर्ड में वोंग का। और आगे हम देखते हैं कि न्यूज में ये बात फैल चुकी होती है कि जेन वॉल्टर्स एमएल ब्लोंस्की का केस लड़ रही है। और यहाँ पर पूरा फोकस एबोमिनेशन पे नहीं बल्कि जेन वॉल्टर्स पे होता है। यहाँ पर हमें कई सारे कमेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर कई सारे लोग फीमेल सुपर हीरो के खिलाफ थे। निक्की बार बार शी हल्क को इंटरव्यूज देने के लिए कहती है, पर शी हल्क मीडिया से दूर रहना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि मीडिया को उसमें इसलिए दिलचस्पी है क्योंकि वो एबोमिनेशन का केस लड़ रही है। पर निक्की उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शी हल्क हॉलीवे के ऑफिस आती है जहाँ पर उसका कलीग डेनिस भी आया हुआ होता है। अब डेनिस यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड पे केस करना चाहता था। उसे लग रहा था कि वो मेगन द स्टैलियन को डेट कर रहा है, पर दरअसल वो एक शेप शिफ्टिंग लाइट एल्फ है जो एसगार्ड से थी। अब डेनिस ने उस पर काफी ज्यादा पैसे खर्च किए थे, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड पे केस करना चाहता था। पर डेनिस की बातें सुनते हुए शी हल्क को बहुत हंसी आती है और वो हंसने लगती है। और उसके बाद वॉन्ग की एंट्री होती है। शी हल्क वॉन्ग को अपने ऑफिस ले जाती है, जहाँ पर वॉन्ग शी हल्क को बताता है जो कुछ भी ब्लोंस्की ने कहा है वो सब सच है। वॉन्ग बताता है क्योंकि अब वो एक सोर्सरर सुप्रीम बन चुका है तो उसे ट्रेनिंग की जरूरत है, इसलिए वो एबोमिनेशन को केज फाइट में लेकर जाता है ताकि वो उससे फाइट करके खुद को ट्रेन कर सके। जैन वॉन्ग को बताती है कि केज फाइट वाली वीडियो देखने के बाद पेरोन मेंबर्स एमएल ब्लोंस्की को रिहा नहीं करेंगे, जिस पर वॉन्ग शी हल्क से कहता है कि अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं सबकी याददाश्त मिटा दूंगा तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तभी शी हल्क वॉन्ग से कहती है कि तुम्हें सिर्फ सुनवाई वाले दिन आकर ये सबको सच बताना होगा कि तुमने ही एमएल को जेल से भगाया था। इस पर वॉन्ग मान जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब डेनिस का केस पग लड़ने वाला था। डेनिस पग को बता रहा होता है कि उसने उस लाइट एल्फ पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। डेनिस वहां से निकलता है और तभी हम देखते हैं कि डेनिस वापस आता है और उसने अपना इरादा बदल लिया है और वो केस को ड्रॉप करना चाहता है। पर ये डेनिस नहीं था बल्कि वो लाइट एल्फ थी, जो कि पग समझ जाता है। और वो लाइट एल्फ वापस से अपने असली रूप में आ जाती है और पग उसे अपने ऑफिस से बाहर निकलवा देता है। यहाँ प्रिजन में हियरिंग शुरू हो जाती है और वॉन्ग अभी तक नहीं आया हुआ है, इसलिए जैन ब्लोंस्की को अपनी स्टेटमेंट देने के लिए कहती है। ब्लोंस्की पैरोल मेंबर्स के सामने ये बात कहता है कि वो बदल चुका है और उसने जो भी कुछ किया है उसके लिए वो बहुत ज्यादा अफसोस करता है। तभी वॉन्ग वहाँ पर आता है और वो एक्सप्लेन करता है कि वही है जो ब्लोंस्की को जेल से भगाकर ले गया था। वॉन्ग यहाँ पर ये भी बताता है कि उसने एमएल को कमरताज में रहने का ऑफर दिया था, पर एमएल प्रेजेंस में वापस लौटना चाहता था। वॉन्ग की गवाही सुनने के बाद पैरोल बोर्ड के मेंबर्स ये बात कहते हैं कि भले ही एमएल ब्लोंस्की अब एक अच्छे इंसान बन गए हों, पर क्या एबोमिनेशन बनने के बाद वो अपने आप को कंट्रोल में रख पाएंगे। ये सुनकर तुरंत एमएल ब्लोंस्की अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है ताकि वो सब ये दिखा सके कि एबोमिनेशन बनने के बाद वो खुद पे कंट्रोल कर सकता है। और ब्लोंस्की के एबोमिनेशन बनने के बाद सभी लोग डर जाते हैं और एबोमिनेशन वापस से ब्लोंस्की बन जाता है। और जैन इसी चीज का यूज करते हुए कहती है कि अगर ब्लोंस्की चाहता तो यहाँ से कभी भी भाग सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने इसी जेल में रहकर अपना पश्चाताप किया और उसे एक मौका मिलना चाहिए। पैरोल बोर्ड के मेंबर्स कहते हैं कि हम जल्द ही फैसला सुनाएंगे, पर वो वॉन्ग पे चार्जेस लगाते हैं क्योंकि वॉन्ग ने एमएल को जेल से भगाया था, जो कि बिल्कुल ही गैर कानूनी था। वॉन्ग ये समझ जाता है, इससे पहले उस पर कोई एक्शन लिया जाता वॉन्ग वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ पग डेनिस का केस लड़ रहा होता है, जहाँ पर जज पग से कहते हैं कि तुम्हें कोर्ट रूम में ये प्रूफ करना होगा कि लाइट एल्फ ने डेनिस को बेवकूफ बनाया है। जज वहां से निकलता है, फिर वो लाइट एल्फ जज का रूप लेके वहां शैतानी करने लगती है।
आगे हम देखते हैं, जैन और निकी एक बार में होते हैं जहां पर जैन निकी से कहती है कि मैं इस केस को चाहती हूं कि जल्द से जल्द खत्म हो जाए और मैं वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगूं। तभी वहां पर पग आता है और वो उन दोनों को डेनिस के केस के बारे में बताता है और बातों बातों में पग नोटिस करता है कि जैन डेनिस को बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए वो जैन से एक हेल्प मांगता है। अगले दिन डेनिस की हियरिंग के दौरान जैन कोर्ट में काफी सारी बातें डेनिस के बारे में बताती है, जैसे कि डेनिस सेल्फ एब्जॉर्ब इंसान है, उसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है और वो मेगन द स्टैलियन को भी इंप्रेस कर सकता है। यही रीजन है कि लाइट एल्फ उसे बेवकूफ बना पाई। जैन की स्टेटमेंट सुन के जज सरप्राइजिंगली डेनिस के फेवर में डिसीजन लेता है और लाइट एल्फ को 60 डेज इंप्रिजनमेंट की सजा मिलती है। और तभी हमें मेगन द स्टैलियन का कैमियो देखने को मिलता है जो कि कहती है कि यहां सिर्फ एक ही मेगन द स्टैलियन है। कोर्ट से बाहर आते ही डेनिस कहता है काश कि वो लाइट एल्फ की पावर्स को छीन पाता, क्योंकि इससे वो किसी का भी नुकसान नहीं कर पाएगी। और डेनिस की ये बात सुनकर जैन को एक आइडिया आते हैं। आगे हम देखते हैं कि परोल बोर्ड एमएल ब्लोंस्की को जेल से रिहा करने का फैसला ले लेते हैं, पर वो एमएल ब्लोंस्की के सामने एक शर्त रखते हैं कि उसे हमेशा एक इनहिबिटर पहनना पड़ेगा जिससे वो एबोमिनेशन में नहीं बदल पाएगा। एमएल ब्लोंस्की जेल से रिहा होकर काफी खुश था और वो जैन से कहता है कि तुम्हें इंटरव्यू दे देना चाहिए ताकि उसको लेकर जो बहुत सारे रूमर्स बने हुए वो सारे खत्म हो जाएं। और जैन फाइनली मीडिया के सामने आती है और उसी रात जैन जब घर जा रही होती है तो उस पे 4 गुंडे हमला कर देते हैं और जैन शी हल्क में बदलती है और उनकी काफी ज्यादा पिटाई कर देती है जिसकी वजह से वो गुंडे वहां से भाग जाते हैं। ये गुंडे एक इंजेक्शन लेकर आए थे, शायद इसका मतलब ये था कि वो शी हल्क का खून लेना चाहते थे। वो गुंडे एक दूसरे से कहते हैं कि बॉस उन्हें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि काम नहीं हो पाया। और शी हल्क यहां पर अपने आप को कार के शीशे में देखती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस एपिसोड के मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि मेगन द स्टैलियन अब शी हल्क की क्लाइंट बन चुकी है और वो दोनों ही ऑफिस में डांस भी करते हैं, जिसे देख के हॉलीवुड अजीब सा मुंह बनाता है। तो गाइस ये थी एपिसोड 3 की फुल स्टोरी। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना।